हेलो, वेलकम टू नैना फूड हैबिट चैनल। चलिए मैं आज आपको रोस्टेड चिकन कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना सिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैंने लिया है आधा विद बोन और बड़े बड़े पीसेस में चिकन। ये देखिए जो पीसेस हैं आपके इस तरीके से हों, और उसके साथ मैंने कुछ छोटे पीसेस भी लिए हैं, लेकिन बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अच्छी तरीके से आप इसको साफ़ कर लीजिए। इसके अलावा मैंने लिया है गरम मसाला और एक कप दही बिना फैटा हुआ। और चलिए अब हम इसको मिलाना शुरू करते हैं। तो ये है मेरा 1.5 से 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, वो इसमें हम पूरा ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट भी करेंगे। इसके अलावा ये सारी दही हमें इसके अंदर मिक्स कर देनी है। और हमें चाहिए रेड मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अब इसमें डालिए, मैं डालूंगी इसमें काला नमक अपने जायके के मुताबिक। मैंने डाला है इसमें 1/2 टीस्पून। आपको इतना डालना है इसमें काला नमक कि इसमें अच्छे तरीके से जो सॉल्टी टेस्ट है वो मिक्स हो जाए। आप इसको मिलाना शुरू करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द हैंड। तो ऐसा करते हुए आप इसको अच्छी तरीके से हर पीस में चिकन के मिक्स कर देंगे, ताकि जो ये मसाला है अच्छे तरीके से चिकन के फ्लैश के अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाए। खूब अच्छे से मिक्स करना है, ज़रा भी लूज नहीं करना है। इसको मिक्स करने से पहले मैंने क्या किया था, जो इसका फ्लैश है उसमें थोड़े से कट नाइफ के हेल्प से लगा दिए थे। उसके बाद ही मैं आपको इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे क्या करना है, मैरिनेट करने के लिए मैं इसको कम से कम 1/2 घंटे इसको ऐसे ही रखे रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसको एक पैन लूँगी, ग्रिल पैन की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करके और फिर उस पर इसको रोस्ट करना शुरू करूँगी। तो तब तक के हम वेट करते हैं। तो हो गया है मेरा चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट, और थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 नींबू भी स्क्वीज किया है। देन हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रिल पैन को रखेंगे गैस के ऊपर और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और साइड बाय साइड, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा घी का यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा चिकन रोस्टेड बनने वाला है, तो मैं इसके पैन के पूरे लेयर पर इस तरीके से जो मेरा घी है उसको अच्छे तरह से स्प्रेड कर दूँगी, सो दैट मेरा ज़्यादा ये ऑयली भी नहीं हो और वो अच्छे तरीके से रोस्ट भी हो जाए। अच्छे तरीके से इसमें अच्छी तरीके से पूरा इसकी बॉटम पे अच्छे से लगा देना है। नाउ स्टार्ट टू टेक इट 1/1 पीसेस ऑफ दिस। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैरिनेट भी हुआ है। दूसरा कि इसमें जो है मैंने इसको थोड़ा सा फ्रिज में भी रखा था, ताकि इसमें अच्छी तरीके से जो मेरी कर्ड है और बाकी स्पाइस का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो सबसे पहले कोई भी आप पीस लेंगे उसको अपने इस पे रखना शुरू करेंगे। गिरा मेरा बोन का पीस, सारे पीसेस तो आप इसी तरीके से उसमें रखते हैं। और जो हमारी ग्रेवी है वो भी इसे अच्छे तरीके से आप लगाएंगे। ये देखिए मेरा जो ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे हैं चिकन के पीसेस। और जब आप इसको
एक साइड से उसको आप सेकना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा हाई रखते हैं ताकि जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर है वो अच्छे तरीके से जो है फ्लेम के थ्रू अच्छे तरीके से सब निकल जाए। तब तक क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रखूँगी ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और जो ऑयल में है उसी में एब्जॉर्ब। चेक करते हैं, लीड को हटाते हैं और देखते हैं कितना रोस्ट हुआ है चिकन के पीछे। ये देखिए बिल्कुल हो गए हैं, वन साइड से हमारा ये कुछ रोस्ट हो गया है, अच्छे से ग्रिल हुआ है। ये देखिए क्या देख लेंगे आप, ये ब्राउन कलर का नीचे क्लियर बन गया है। इतनी जो हमारा चिकन के अंदर वाटर था वो सब ग्रिल के बॉटम पे आ गया है और वो अच्छी तरीके से इसमें फिनिश हो गया। तो सारे पीसेस को हम इस तरीके से अपसाइड डाउन करेंगे। फिर जब आप इसको फर्स्ट टाइम एक साइड से इसको ग्रिल करते हैं तभी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी अब जब नेक्स्ट साइज से करते हैं तो बहुत जल्दी ये हो जाता है क्योंकि जो वाटर जो मॉइस्चर रहता है हमारे पीसेस में वो निकल जाता है और जो फ्लैश है हमारे चिकन का वो अच्छी तरीके से एक तरीके से रोस्ट हो जाता है। सारा वाटर इस साइड आ गया है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा ये जो सबसे बड़ा पीस है इसको भी हम इस तरीके से सारे पीसों को आपको इसी तरीके से रोस्ट करना है। और एक बार फिर से हम इसको लिड से कवर करेंगे, कुछ भी यूज करते हैं इसका अच्छी तरीके से तैयार होने के लिए। तो देखिए मेरी दूसरी साइड की लेयर भी बिल्कुल एकदम से इसमें रोस्ट हो गई है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप दूसरी साइड से रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी ये हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करने का तैयारी करते हैं। ज़्यादा यूजफुल थिंग जो आप किचन में इजीली अवेलेबल होती है और बहुत इंस्टेंटली आप करते इसका लुत्फ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ट्राई किया आपने ऑन टू फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि देखिए कि बिल्कुल गला है या नहीं है, इसका कच्चा पन अच्छे से निकला है नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही चीजली इसके जो फ्लैश के रेशे हैं वो निकल रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। देखिए चेक करते हैं हमारा जो ये स्पून है बिल्कुल इसके अंदर डिप हो रहा है, तो यही एक इसका इंडिकेशन है कि ये अच्छा से रोस्ट हो गया। सो इसी तरीके से हमारा जो रिमेनिंग पीस है उसको भी हम इस पर रख देते हैं रोस्ट होने के लिए। इस तरीके से हम इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा घी से मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस कर दिया है और इसी तरीके से इससे बाकी के पीसेस हमने यूज़ किए हैं वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे और इसको थोड़ा सा लिड से कवर करेंगे और वेट करेंगे। देखिए नाउ लेट्स टर्न ओवर इट, देखिए बहुत अच्छे से ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है क्योंकि ग्रिल में जितना भी बड़ा पीस होता है आपका वो उतना ही देखने में तो अट्रैक्टिव लगता है लेकिन अच्छे तरह से वो सिक भी जाता है, मतलब वो जलता भी नहीं है। इसी तरह से दूसरे साइड से करना है और ये देखिए एकदम ब्राउन कलर इसमें दिया है। वेट करते हैं इसको भी रोस्ट करते हैं। तो इट्स रेडी टू बी मंच, आप देखिए आप बिल्कुल मेरा ये सर्व भी हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसका जो खुशबू है बहुत ही
माउथ वाटरिंग आ रही है, तो चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं खाना। आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी चिल्ली बेस्ड हो। और देखिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।